नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। सोमवार को पहाड़ों पर हुई भारी बरसात के चलते सूर्या नाला उफान पर आ गया, जिसके कारण हल्द्वानी सितारगंज मार्ग बंद हो गया। नाले के उफान पर आने के कारण पुलिस प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। ऐसे में जैसे ही सूर्या नाले में पानी कम हुआ तो लोग अपने अपने वाहनों को लेकर यहाँ से निकलने लगे। इसी दौरान नाले में तेज पानी आ गया, जिसके कारण पलक झपकते ही एक बाइक और 8 यात्रियों से भरा पिकअप वाहन पानी की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्थानीय लोगों ने सवारियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि भारी मात्रा में पानी आने के चलते नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। पानी कम होने पर वाहनों की आवाजाही शुरू की, तभी फिर से अचानक नाले में फिर से तेज गति से पानी आ गया, जिससे पिकअप वाहन बहते हुए नाले में पलट गया। ऐसे में पिकअप वाहन को पानी में बहता देख लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने किसी तरह से सवारियों को बाहर निकाला। वहीं बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन हल्द्वानी से चोरगलिया की ओर जा रहा था। अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।